तो पहला सेट 10 kgs का है, वार्म अप करेंगे। बताओ भाई का एसी खराब हो जाता है भाई आते आते। चल उठा। Hey guys, welcome back to KSF Academy. So, आज बहुत दिनों बाद मेरे स्टेट्स कॉम्पिटिशन के मैं अभी टेबल पे जो है प्रॉपर वर्कआउट करने वाला हूँ। प्रोनेशन, कपिंग, राइजिंग और बैक प्रेशर, ये चारों वर्कआउट के मैं मेरा PR टेस्ट करूंगा। पिछला जो आपने ब्लॉग देखा रहेगा उसमें मैं रॉ जो हम प्रोनेशन करते हैं उसका PR अटेम्प्ट किया था जो कि 30 kgs निकला था। सो क्या पता, अभी देखते हैं कि टेबल पे मेरा PR कितना आता है, बिकॉज यहाँ पे हम कुछ भी बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकते, प्रॉपर जो है एक स्ट्रिक्ट फॉर्म में हमें वो चीज करनी होगी। सो अभी मैं अश्विन के घर पे आया हूँ, सो यहाँ पे हम दोनों अपना PR टेस्ट करेंगे। सो सबसे पहला वर्कआउट रहेगा हमारा बैक प्रेशर। सो पहला सेट 10 kgs का है, वार्म अप करेंगे। तो मुझे लग रहा है अंदाजन कि मैं बैक प्रेशर में आई गेस 30 kgs उठा लूं, बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। वैसे मेरा PR 42-44 kgs तक का था, तो अभी देखते कितना जाता है। सो अभी 20 किलो हमने वेट लगाया है, सो देखते हैं 20 kgs किस तरीके से मूव करता है। सो थोड़ा सा पुली अलग हो गया था, सो अभी हमने वापस से टाइट किया है, सो होप सो अब नहीं बिगड़ेगा। सो 20 kgs है लोड। ठीक है, ब्लॉक के बाद बताना। हाँ भाई, अश्विन भाई ने भी इजीली खींच लिया भाई। तीसरा सेट है और 27.5 अभी वेट है, लेट्स सी जाता है कि नहीं। चल उठा। लगता है अश्विन भाई अपने मैक्स कैपेसिटी पे रीच हो रहे हैं धीरे धीरे। क्या बोलते हो, यहां से कितना और मार सकते हैं? 40 का एक ग्राम। तो अभी 27.5 के बाद एक और 27.5 बढ़ाते हैं, तो कितना हो जाएगा 35 किलो, तो 35। सो अभी लोड है 35 kgs और मैं सोच रहा था सिर्फ 30 kgs जाएगा, सो देखते हैं 35 kgs उठता है कि नहीं। से देखते हैं, एक्चुअली मेरा राइट इस मूवमेंट में स्ट्रॉन्ग है। As usual, पता था मुझे राइट स्ट्रॉन्ग है। नहीं देगा। सो अभी अश्विन भाई 35 kgs बैक प्रेशर ट्राई करते हुए, लेट्स गो अश्विन, यू कैन डू इट। मुंह से मूंगफली टूट नहीं रही है। गांड से अखरोट टूटे आख्या। दिखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। 10-10 किलो के दो प्लेट्स और हम प्रोनेशन मारने वाले हैं। 20 किलो का प्रोनेशन सीधा लोड किया हमने, बिकॉज वार्म अप बहुत हो गया बैक प्रेशर के वर्कआउट से। 20 kgs प्रोनेशन। तो
भाई 27.5 किलो प्रोनेशन, यू कैन डू दिस अश्विन। कोई बात नहीं, तब बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। थोड़ा अभी कपिंग साइड प्रेशर ट्रेन करते हैं। पच्चीस किलो है बाय द वे। सो पहला सेट 27.5 किलो का था, अभी हम सीधा 7.5 बढ़ा दे तो 35 किलो देखते हैं। 35 मूव हो पाता है कि नहीं। Easy. Right से देखते हैं। उठ गया राइट से। राइट से ज्यादा स्ट्रेन नहीं आना देता हूं, राइट पे ज्यादा प्रेशर नहीं आने देता हूं, बिकॉज यहां पे मेरे को गोल्फर है बहुत सीरियस। बट फिर भी 35 किलो उठ गया। सो अभी सीधा बढ़ाएंगे तो 7.5 बढ़ेगा, 42.5। सो देखते हैं उठता है कि नहीं। तो गाइस मैं वेट दिखा देना चाहता हूँ, वरना सब बोलेंगे कि वेट नहीं दिखा रहे हो। नीचे वाला 10 किलो, ये 10 किलो, 20 किलो, ऊपर वाला 7.5, 7.5, तो 20 और 7.5, 7.5, 15, 35 किलो। ये तो तीसरा 7.5 भी लोड हो चुका है, 42.5। देखते हैं जाता है कि नहीं। अश्विन भाई ने गिव अप कर दिया भाई। One more attempt. अच्छा था? पहले वाला क्लीन उठा था। कोई बात नहीं। सो पहला सेट 27.5 किलो का था, अभी हम सीधा 7.5 बढ़ा रहे तो 35 किलो देखते हैं। 35 मूव हो पाता है कि नहीं। ज्यादा स्ट्रेन नहीं आना देता हूं, राइट पे ज्यादा प्रेशर नहीं आने देता हूं, बिकॉज यहां पे मेरे को गोल्फर है बहुत सीरियस। बट फिर भी 35 किलो उठ गया। सो अभी सीधा बढ़ाएंगे तो 7.5 बढ़ेगा, 42.5। सो देखते हैं उठता है कि। सो वैसे तो राइजर नहीं किया है और उतना भी जान बचा नहीं है। सो हमने प्रोनेशन में कितना उठाया, मैं भूल गया। तो जो भी लिफ्ट्स थे, अभी हम ट्राई करेंगे कि उसको लिफ्ट को और ज्यादा इम्प्रूव करने का, बिकॉज अभी शिफ्टिंग होगी। टेबल मैं अपने घर में लेके जाऊंगा, वहां पे प्रॉपर पूरा सेटअप करूंगा। और मेरा गोल है फिलहाल फरवरी में रैंकिंग टूर्नामेंट होगा, और मेरे को वहां पे सिर्फ राइट हैंड का ही बहुत करता हूँ।
और वहाँ पे सिर्फ राइट हैंड का ही जो है टूर्नामेंट्स होते हैं, सो अभी मैं सिर्फ राइट पे फोकस करूंगा, प्रॉपर पंपकिन ट्रेनिंग वगैरह करूंगा सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड से, और देखते हैं कि हम इस स्ट्रेंथ को और कितना ऊपर लेके जाते हैं। सो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, बाय भाई। तो अभी हम चेस का एक टूर्नामेंट कर रहे हैं पूजी भाई के साथ, सो देखते हैं क्या होता है इन गेम में। तो कजर गड्डू को हरा चुका हूँ मैं भाई, मैं हार चुका हूँ, भाई ने बहुत अच्छा खेला, बट अभी अभी एक और भाई एक और है, एक और राउंड है, रुक जाओ एक और राउंड में बताते हैं। अच्छा हाँ इससे
पता है तेरा ऐसे में जाता है ना, मेरा फिंगर तेरे फिंगर के ऊपर हो जाता है। अरे इसका मेन मैं ये ऐसा क्यों करता हूँ बता, ताकि मेरे को थोड़ा एडवांटेज मिले खुलने का। अच्छा है तो तू पकड़ ले। हाँ फिर खुलता है खुलते खुलते, ये ऐसे बताता है। Thank you.